everyone, you are watching Maths Cookies with me, Sarika. Okay, आज थोड़ी सी क्वेश्चनिंग करने का मेरा मन कर रहा है और क्वेश्चंस कैसे हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग को ट्विस्ट करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। हो सकता है कि आपको उनके आंसर्स पता हो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि क्या डू यू नो कि विच इज द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, सबसे गर्म और ठंडी जगह अर्थ पर कहाँ है? तो मुझे लगता है थोड़ा सा तो दिमाग घूमा होगा। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा मत सोचो, आंसर मैं बता रही हूँ। जो आंसर है, सबसे जो हॉटेस्ट प्लेस है वो है डेथ वैली नेशनल पार्क इन कैलिफोर्निया, और ये कहाँ है? द यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, और इसका आपको टेम्परेचर पता है? टेम्परेचर है इसका +54.4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस थी वो कहाँ है? जो सबसे ठंडी प्लेस है वो कहाँ है? सबसे ठंडी प्लेस है भाई वॉस्टक स्टेशन, ये कहाँ है? अंटार्कटिका। और इसका टेम्परेचर सुनोगे ना तो तुम्हें ठंड लगने लग जाएगी। इसका टेम्परेचर है -198 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -0 होता है तो -198 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको पता है कि जब हमारा जीरो से टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तब बर्फ पड़ने लगती है, और -1 होती बर्फ स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ देखो -98 डिग्री सेल्सियस। अच्छा चलो, अब तो जरूर आपका जो ब्रेन है ना वो ऐसे गोल गोल करने लग गया होगा। अब इसी गोल गोल को थोड़ा सा और घुमाते हैं और सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ठीक है, पॉइंट मान लो, चलो प्लेस छोड़ो, पॉइंट देखते हैं। तो सबसे, मुझे पता है इसका आंसर बहुतों को पता है, अगर पता है तो प्लीज पैट योर सेल्फ, अगर नहीं पता है तो आंसर मेरे पास है। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है अर्थ पर, दिस इज माउंट एवरेस्ट। सबने सुना होगा ना माउंट एवरेस्ट पर्वत। तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, अरे बाप रे, वो हाइट है +29,029 feet। ये आपकी माउंट एवरेस्ट की हाइट है। और जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, मतलब डीपेस्ट पॉइंट कहाँ हो सकता है, वो है हमारा सी, यानी समुद्र के नीचे, उसका नाम है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच कितना नीचे है समुद्र से, कितना नीचे है? बाप रे बाप, -38,814 feet। ये आपका क्या है? ये है आपके पास सबसे डीपेस्ट पॉइंट। और मुझे लग रहा है मैं थोड़ी सी गलती कर रही हूँ, यहाँ 38 नहीं 35 है। तो 35,814 feet, बाप रे बाप रे, माइनस, यानी इतना गहरा। ये थे आज के दो क्वेश्चंस जो जरूर आपको अच्छे लगे होंगे। अब आप कहोगे क्वेश्चन आंसर क्यों खेल रही है मैम, तो जल्दी से, अच्छा चलो थोड़ा सा और खेलने का मेरा मन कर रहा है, थोड़ा सा और पूछने का मन कर रहा है। तो मुझे बताइए कि आपके हैंड में, वन हैंड में कितनी फिंगर्स होती है? मेरे हैंड में तो भाई 1 2 3 4 5 फिंगर्स है, और आपके हैंड में भी 5 ही फिंगर्स होंगी। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके फेस पर कितनी आईज है? ऑफ कोर्स 2 ही आईज है। आप कहोगे ये सारी चीजें क्यों पूछी जा रही है मैम? ओके, मैं बताती हूँ क्या है कि जब हम आपसे कुछ, मैं आपसे कुछ पूछती हूँ कि इसकी काउंटिंग मतलब नंबर्स बताओ कि आपके पास कितने हैं, हाउ मेनी वाला जब क्वेश्चन आता है तब हम उसमें आंसर करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो जहां पर आपके कितने या हाउ मेनी का क्वेश्चन आता है वहां हम काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, काउंटिंग नंबर्स बताने लगते हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 10 है 50 है 100 है 1000 है, इस तरह से हम बात करते हैं। तो जब भी हम इस तरह की बात करेंगे, जब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, वहां उन नंबर्स को हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, या फिर हम कहते हैं
नेचुरल नंबर्स। इन नंबर्स को हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, और काउंटिंग नंबर्स का ही दूसरा नाम होता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। और ये नंबर्स कौन से होते हैं? जब हम काउंटिंग नंबर्स की बात करते हैं तो हम काउंटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं काउंटिंग सुनाओ बेटा, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे 1 2 3 4, ऐसे स्टार्ट करोगे। तो जो नंबर्स आपके 1 2 3 आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे, और आगे तो पता नहीं है कितने होते हैं, होते बहुत सारे जो आप गिन नहीं सकते, तो वहां इन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, आप जब आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो और आपके पास 9 के बाद 10 इंक्लूड हो जाता है। अब 10 में क्या होता है? एक डिजिट 1 है और एक डिजिट 0 है। ये 0 कहां से आया? किसी ने सोचा 0 कहां से आया? बेशक 0 जो है वो इंडिया की डिस्कवरी है सॉरी इंडिया में किसने करा था? आर्यभट्ट ने करा था 0 का डिस्कवरी। तो जो 0 है उसका यूज कहां हुआ? तो जब हम एशियंट टाइम में जाते हैं, पुराने जमाने में जाते हैं, तो वहां जब हमारी काउंटिंग, जैसे वो भेड़ और बकरियां इस तरह से चराते थे, तो वो जब चराते चराते जब उन्होंने देखा कि मेरे पास ये आपकी 1 2 3 ऐसे है, तो 9 पे आके उनकी काउंटिंग खत्म हो जाती थी। उसके बाद क्या, सपोज किसी दिन उनकी जो शीप्स हैं वो निकल के भाग गई, तब क्या, तब वो क्या यूज करते थे? कुछ नहीं है। तो ये जो कुछ नहीं है, ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। आपके मम्मी ने 5 चॉकलेट्स दी और आपने वो जल्दी से सारी खा ली, तो आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं, नथिंग, इट मीन्स 0। तो जब मेरी काउंटिंग में 0 ऐड हो जाता है, ठीक है, जब मेरी काउंटिंग में 0 ऐड हो जाएगा, उसको हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर जब हम अपनी काउंटिंग में 0 ऐड कर रहे हैं, जैसे 0 से स्टार्ट करी मैंने काउंटिंग, और उसके बाद मैं 9 के बाद 10 पे आई, फिर 20 है, 30 है, सब में 0 आ रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, और मेरी काउंटिंग स्टार्ट होगी फिर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये मत सोचना कि अब हमेशा 0 से ही काउंटिंग स्टार्ट होगी। 0 मीन्स कि आपका 0 उसमें इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अगर आपने मेरे क्वेश्चंस ध्यान से सुने थे स्टार्टिंग में, तो मैंने आपसे कहा था कि हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस। तो जब हम हॉटेस्ट की बात करते हैं और टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर में जो हॉटेस्ट है, जो सबसे अगर गर्म होता जाता है, जैसे आपका टेम्परेचर है और आप डे बाय डे अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें वेदर आता है, तो वेदर में आप देखोगे मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम मीन्स ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा गर्मी कितनी होने वाली है, तो वहां पर हम यूज करते हैं प्लस। ठीक है, और सबसे कम, तो यानी कि क्या होगा, डाउन होता जाएगा टेम्परेचर, तो वहां पे हम यूज करते हैं माइनस। अगर कोई बहुत ज्यादा ठंडी प्लेस है, जैसे इंडिया के अंदर जो ठंडी प्लेस है वो कश्मीर है, ठीक है, इस तरह से है सॉरी, तो यहां से माइनस आता जाएगा। तो ये हमारे हो गए टेम्परेचर्स के लिए। अच्छा, इसी तरह से जब हम बात करते हैं हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट की, तो वहां भी हम यूज करते हैं। जब हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, सी लेवल, लेवल में, सी लेवल मीन्स ग्राउंड लेवल। अगर आप ग्राउंड लेवल, सपोज ये मेरा ग्राउंड लेवल है और मैं इस ग्राउंड लेवल से ऊपर जाती हूँ, इसकी हाइट बढ़ती जाती है ग्राउंड। जैसे आप जाते हैं, सपोज आप एरोप्लेन में हैं और आपने ग्राउंड से फ्लाइट पकड़ी और आपने टेक ऑफ करा, तो आप ग्राउंड लेवल से ऊपर हो गए। जैसे ही जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं, आपका जो हाई, जो आपका, आपकी जो डिस्टेंस बनता जाएगा, वो बनता जाएगा आपका प्लस में। ठीक है, और सपोज अगर आप डाइव लगाते हैं नीचे, किसमें, सी लेवल से नीचे, यानी कि ग्राउंड से नीचे, तब आपका जो डीपेस्ट, जो वो आपकी जो नीचे डीप पॉइंट बनता जाएगा, वो आपका बनेगा माइनस में। ठीक है, तो हम यहां पर भी यूज कर रहे हैं प्लस और माइनस। सपोज आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज थे, मैंने अपने बैंक में जाके 10,000 रुपीज अपने सेविंग अकाउंट में जमा कराए, ठीक है, डिपॉजिट कराए, उसके बाद मुझे थोड़े दिन बाद मुझे काम लगा और मैंने क्या करा, उसमें से 5,000 रुपीज निकाल लिए। तो मैं, जब मैंने पैसे निकाले, तो मेरे पैसे बढ़े या कम हुए? ऑब्वियसली कम ही होंगे। तो जहां पर हम कम दिखाना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं,
उन टर्म्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करते हैं। ठीक, क्या ऐसी काउंटिंग भी हो सकती है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री? ओहो, आप कहोगे ऐसी काउंटिंग तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लेते हैं। अगर हमारी काउंटिंग ऐसे ना होके, वन टू थ्री ना होके ऐसे होती, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, तब क्या होता? बिल्कुल, तब ये होता कि हम उनको एक नाम देते और उनका नाम होता नेगेटिव नंबर्स। जैसे अभी हमने देखा पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स हमने काउंटिंग नंबर्स पढ़े ना, कि हमने पढ़ा वन टू थ्री फोर काउंटिंग नंबर्स थे, तो उनके आगे अगर कुछ नहीं साइन है, इट मीन्स वहां पर पॉजिटिव लगा हुआ है। पॉजिटिव का साइन का मतलब है ये नंबर, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का मतलब माइनस वाला नंबर। तो ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है और साथ में जीरो भी एड हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर। अच्छा, जो मैंने लाइन बोली उसको हम देखते हैं बोर्ड पर कि कैसे है। जब मैंने आपसे कहा था काउंटिंग लिखना स्टार्ट कीजिए, आपने लिखा वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। ठीक है, फिर मैंने कहा इसमें जीरो भी इंक्लूड कर दो, तो यहां मैंने जीरो भी इंक्लूड कर दिया। अब मैंने आपको बताया कि ऑपोजिट नंबर्स भी होते हैं, जैसे वन का ऑपोजिट हो गया, वन क्या है, प्लस वन है, तो प्लस वन का ऑपोजिट क्या होगा, प्लस का ऑपोजिट क्या होता है, माइनस, तो प्लस वन का ऑपोजिट क्या बन जाएगा, माइनस वन। चलो मैंने माइनस वन लिख दिया। ठीक है, अच्छा टू का प्लस टू मीन्स प्लस टू, तो प्लस टू का ऑपोजिट बनेगा माइनस टू। ठीक है, माइनस टू हो गया। थ्री का क्या बनेगा भाई, माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर। ये ऐसे ही काउंटिंग आगे चलती जाएगी। तो आप यहाँ देखो कि एक आपके पास एक कलेक्शन बनता जा रहा है, जो काउंटिंग्स का कलेक्शन आ रहा है। आप कौन से काउंटिंग्स के कलेक्शन है, यहां से देखेंगे जीरो के जो राइट साइड वाले नंबर्स हैं, दे आर पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि इनके आगे, सबके आगे क्या है, प्लस का साइन है। अगर कुछ नहीं लगा, इट मीन्स ये प्लस का साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब जीरो के जो लेफ्ट साइड में है, जो इनके ऑपोजिट नंबर्स हैं, पॉजिटिव का ऑपोजिट होता है नेगेटिव, तो इन नंबर्स को हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स। ठीक है, अब आप कहोगे बीच में जो जीरो है ये क्या काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, इसका भी काम है। इसका क्या काम है, जीरो क्या है, इन नंबर्स के सेंटर में है, जो आपको बताएगा कि जो जीरो से राइट साइड वाले नंबर्स हैं, दे आर पॉजिटिव नंबर, और जीरो के जो लेफ्ट साइड वाले नंबर्स हैं, दे आर नेगेटिव नंबर। जब मेरे पास ऐसी कलेक्शन आ जाएगी पॉजिटिव नंबर्स की, नेगेटिव नंबर्स की, और साथ ही साथ जीरो, तब वहां एक टर्म यूज करते हैं हम, टर्म यूज करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स ऐसे नंबर्स जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हो, नेगेटिव नंबर्स भी हो, और जीरो, इन तीनों का यूज हो रहा हो आपके सम्स में, आपके नंबर्स में, आपकी कैलकुलेशन में, वहां हम उस एक टर्म यूज करते हैं और उसका नाम है इंटीजर। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे हम जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन करने के लिए आता है वो आता है कि ऑपोजिट बताइए। तो ऑपोजिट में आपके पास, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अबव का ऑपोजिट हो जाएगा बिलो। ठीक है, हाई का लो, प्लस का माइनस, पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ऑपोजिट है। तो सी लेवल से, सी लेवल क्या है, सी लेवल ग्राउंड लेवल था, तो सी लेवल अप और सी लेवल डाउन, तो ये सारी चीजें क्या है, ऑपोजिट है, तो ये हम यूज करेंगे। जहां हम ऑपोजिट यूज करते हैं, जैसे हॉट का क्या है, कोल्ड है, तो यहां पर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, तो टेम्परेचर अगर जैसे जैसे राइज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो प्लस साइन को डिनोट करता जाएगा। जैसे आप दिल्ली का नॉर्मल टेम्परेचर जो आपका वो रहता है, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वहां हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर भी देख सकते हैं। अगर आप देखें न्यूज़पेपर में आपको वेदर फोरकास्ट आता है, तो वहां आप देखोगे मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। तो जैसे जैसे जहां गर्मी बढ़ती जाती है, वहां आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, प्लस होता जाता है। उस टेम्परेचर में सपोज कहीं पर 25 है, और अगर गर्मी बढ़ रही है तो 26, 27, 28 बढ़ता जाएगा।
इट मींस कि वहां पर प्लस हो रहा है। अब ऐसे ही अगर कहीं पर टेम्परेचर डाउन जा रहा है, ठंड हो रही है, अब जैसे अब ठंड आने वाली है, तो आपका डे बाय डे क्या है, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। सपोज आज 20 है और कल अगर बारिश हो जाए या कुछ इस तरह का ठंडी हवा चलने लगे, तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो वो 20 से कैसे हो जाएगा, हो सकता है 19 हो जाए, 16 हो जाए, 15 हो जाए। और जब पूरी ठंड आ जाती है तो हो सकता है, आपने सुना होगा कभी कभी कि 3 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, 2 हो गया, 1 हो गया, कश्मीर में तो बर्फ पड़ गई। बर्फ पड़ने का मतलब है जब हमारा जो टेम्परेचर है जीरो से बिलो चला जाए। जीरो से बिलो वाले नंबर्स कौन से होते हैं, माइनस वाले नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स हम यूज करेंगे अपने, ऐसे टर्म्स हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर जहां हमें अपोजिट्स बताने होंगे। ठीक है, कि हमने बोला आप बताइए हाई है और आपको बताना है हाई का अपोजिट क्या होगा, लो। किस लिए है ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये हो गया मेरे पास, आपने ऑपोजिट बता दिया। अब मेरे पास एक टर्म आती है कि मुझे नंबर लाइन पर जो हमारी इंटीजर्स है उनको शो करना है। तो नंबर लाइन देख लेते हैं। नंबर लाइन क्या होता है कि जो हमारे पास काउंटिंग नंबर, जो हमारे पास इंटीजर्स आए हैं, अगर मैं उनको लाइन पर ड्रॉ करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगी। ठीक है, सपोज मैंने आपसे बोला कि मुझे आप बताइए -2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 5 कहाँ है, -5 कहाँ है, 0 कहाँ है नंबर लाइन पर। ठीक है, तो नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, आपने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, उसका जो सेंटर है हमने ले लिया, उसको 0 मान लिया, क्योंकि हमें 0 से राइट साइड भी नंबर शो करने और 0 के लेफ्ट साइड भी नंबर शो करने। तो मैंने यहाँ 0 लिख लिया सेंटर में। अब आपने इक्वल डिस्टेंस पर अपनी काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, अब आपको पता है कि 0 से जो राइट साइड वाले नंबर्स हैं, दे आर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग आएगी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और 0 के जो लेफ्ट साइड वाले नंबर्स हैं, दे आर नेगेटिव नंबर्स। और आपके पास जो काउंटिंग आएगी वो आएगी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपके पास, अभी देखते हैं कि मैं जो बताना चाह रही हूं वो क्या है। तो पहले हम काउंटिंग लिख लेते हैं। मेरे पास आया, अब आपने क्या करना है, जो भी काउंटिंग लिखनी है वो इक्वल डिस्टेंस पर लिखनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो नेगेटिव इंटीजर्स थे, 0 से जो नेगेटिव इंटीजर बनेंगे, दैट इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। तो यहां मैंने देखा पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे लिखने हैं और नेगेटिव इंटीजर्स कैसे लिखने हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि नंबर लिखा है, नंबर लिखा और मैं इंटीजर्स बोल रहा हूँ, दे आर सेम। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गए। अब मुझे नंबर लाइन पे क्या शो करना था, सबसे पहले मुझे शो करना है -2। तो देखो -2 किधर है, आपका लेफ्ट साइड पड़ता है कि राइट साइड पड़ता है, देखो दोनों तरफ 2 पड़ रहा है, लेकिन वो मेरे से नेगेटिव पूछ रहा है। तो नेगेटिव ऑब्वियसली आपने याद रखना है कि ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। तो ये जो है ये आपका आ जाएगा -2, ये आपने शो करना है। ठीक है, उसके बाद मेरे से नेक्स्ट पूछ रहा है 3 मतलब पॉजिटिव 3, तो इट मींस ये आपके राइट साइड में आएगा, दिस इज पॉजिटिव 3। ठीक है, उसके बाद है +5, दिस इज ऑल्सो इन राइट साइड, तो ये आपके पास आ गया 5। ठीक, नेक्स्ट नंबर इज -5, माइनस मीन्स लेफ्ट साइड, इट मीन्स ये आपका आ गया -5। अब आपसे पूछा उसने 0 कहाँ है, सेंटर में, तो ये मेरे पास आ गया 0। तो ये मैंने आपके नंबर लाइन पे आपको जो इंटीजर्स उसने मुझे गिवन करे होते हैं, कुछ भी करे, आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें आपने इक्वल डिस्टेंस में अपने नंबर लिखने हैं और जो नंबर आपसे मांगता है आप उसको सर्कल लगा दीजिए। तो ये आपकी हो गई नंबर लाइन। अच्छा, दूसरी चीज आपके पास आती है कि आपको नंबर लाइन पर प्लस करना है, माइनस करना है, कैसे करेंगे वो आप। ठीक है, उसके लिए बहुत इजी है, आपने घबराना नहीं है कि कैसे करना है कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे पास है नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, ये मेरा 0 आ गया, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैंने आगे कर दिया। यहाँ मेरे नेगेटिव नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन। ठीक है, अब
एक चीज ध्यान रखनी है कि आपसे वो पूछेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो क्या देखना है आपके पास इंक्रीजिंग सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे छोटा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। पहले तो हमारे पास काउंटिंग होती थी तो हमें पता चल जाता था, लेकिन यहाँ हमने एक टर्म और सीखी है नेगेटिव नंबर्स की, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है उसमें, जो नंबर आपके राइट साइड में आ रहा है, किसी नंबर के राइट साइड में जो नंबर आ रहा है, इट मीन्स दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, वो आपका सबसे बड़ा नंबर है। सपोज मैंने आपसे पूछा कि इसमें 2 और 7 में कौन बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ आप कहोगे 2 से तो ऑब्वियसली 7 ही बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि 2 के राइट साइड में 7 आ रहा है, 2 के बाद हम 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 2 के जो राइट साइड में जितने भी नंबर आ रहे हैं, 2 से राइट साइड में, देखो 2 से राइट साइड में जो भी नंबर आएगा वो आएगा आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा, बड़ा नंबर बनेगा। ऐसे नेगेटिव में भी यही चीज है कि नेगेटिव में जो भी नंबर राइट साइड में आता जा रहा है, दिस मीन्स कि आपका बड़ा होता जा रहा है। ओके, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए देखते हैं कि उसमें से कैसे हम देखें कि फाइंड आउट करें कि कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। लेकिन एग्जांपल मैंने आपसे लिखा यहाँ पे -1 और -5, इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप कहोगे अभी जैसे हमने काउंटिंग करी थी आपको दिखेगा -5 नंबर है, इट मीन्स कि बड़ा है भाई, चलो हम 5 को लगा देते हैं, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस है कि प्लस है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है कि माइनस मीन्स वो तो डाउन होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जो मेरा नंबर डाउन होता जा रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, वो उसको देखते हैं हम अपने नंबर लाइन पे कि कैसे डिक्रीज हो रहा है। यहाँ मेरे पास नंबर की कंपैरिजन है -1 और -5 की, ठीक है। अभी मैंने आपसे बताया कि वो नंबर, जो भी नंबर की कंपैरिजन है उसमें से देख लेंगे राइट साइड कौन सा नंबर आ रहा है। तो जो भी राइट साइड नंबर आ रहा है, जो भी राइट साइड नंबर आ रहा है वो आपका नंबर जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। अब वो चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, तो यहाँ मेरे पास नेगेटिव नंबर्स है, तो यहाँ मेरे पास जो काउंटिंग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 0, 1, -1, -2, -3, -4, -5। तो मेरे से उसने -5 और -1 के बीच में पूछा है कि कौन सा इन दोनों में से बड़ा नंबर है। अब यहाँ देखें कि -5 के राइट साइड में तो -1 के राइट साइड में तो -5 नहीं है, तो -1 के लेफ्ट साइड में जा रहा है, मतलब एरो इधर जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, इट मीन्स -5 छोटा नंबर हो गया, और -5 से -1 जो है वो आपके राइट साइड में जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो राइट साइड वाला नंबर कौन बना, -1 बना, तो -1 क्या हो गया, -1 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, जो आपसे कंपैरिजन पूछा है। एक और देख लेते हैं, अगर आपसे वो पूछता है कि -2 और 2 इन दोनों में बताइए कि कौन सा बड़ा नंबर है, तो आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है, बिल्कुल माइंड में सेट करनी है कि पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। आपके जो पॉजिटिव नंबर हैं वो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होंगे। अब आपके पास चाहे नेगेटिव आपने 100 लिखा है और आपसे वो कंपैरिजन पूछा है कि बताओ 1, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, तो आपको मैंने बोला कि पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर्स। तो ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो मेरे जो मैंने बोला उसके अकॉर्डिंगली तो ये मेरा बिल्कुल ठीक है कि 1 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, इन दोनों में से 1 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। लेकिन मैंने एक बात और बोली थी कि जो राइट साइड आ रहा है वो नंबर देखते हैं, तो हमारे लेफ्ट साइड में कौन है, नेगेटिव है, तो और नेगेटिव के राइट साइड में कौन बनता है, पॉजिटिव बनता है, तो इसके अकॉर्डिंगली भी हमारे पास जो 1 है वो हमारा 1 ग्रेटेस्ट बनता है, ये याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नंबर लाइन पर आप कैसे एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास नंबर लाइन है और मैं आपसे अभी क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रही हूँ बोर्ड पर, और आप देखेंगे कि कैसे हम नंबर लाइन पर भी पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं। सपोज मेरे पास उसने नंबर दिया 2 प्लस -3, ठीक है, ये आपको यहाँ देखते हैं इन दोनों नंबर्स की जो एडिशन है वो कैसे शो करते हैं हम अपने नंबर लाइन पे। तो यहाँ आपको पता है कि जो मेरे ये क्या है, दिस इज पॉजिटिव नंबर, 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर, और -3 क्या है, नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 देखते हैं, 2 कहाँ है मेरा नंबर लाइन पे, ये मेरा 2 है, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, माइनस थ्री। इट मीन्स अगर आपका माइनस लग गया है तो वहां से आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड जाना है। ठीक है, अगर आपका इंटीजर कोई माइनस शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है, इट मीन्स आपको किधर जाना है, आपको जाना है लेफ्ट साइड, यानी आपको नेगेटिव इंटीजर्स के पास जाना है। और वो नंबर क्या शो कर रहा है, अगर आपके पास माइनस थ्री है, इट मीन्स वो नंबर जो थ्री है, सिर्फ थ्री देखेंगे, इट मीन्स वो जो थ्री है वो आपकी जंप की आपकी ऑर्डर बता रहे हैं कि आपको कितनी जंप करनी है, नंबर ऑफ जंप्स बतानी है। अब यहां से देखना है नंबर ऑफ जंप्स मेरे पास है थ्री, और किधर जाना है, नेगेटिव जाना है, नेगेटिव मीन्स लेफ्ट साइड जंप लेनी है। तो हम कहां पर है, हम है टू पर, तो ये मेरे पास हो गया टू। अब आपको जंप लेनी है थ्री, किस तरफ लेनी है, माइनस का साइन है तो नेगेटिव जाएंगे, तो यहां से जंप लेते हैं थ्री, ये मेरे पास टू है, टू से जंप ली मैंने वन, ये एरो लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने टू, ये एरो लगा दिया, फिर हमने ली थ्री। ठीक है, और हमें थ्री जंप लेनी थी, तो मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा माइनस वन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां मैंने एक और नंबर लाइन ड्रॉ करी है, दिस इज जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड आ जाएगी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा माइनस फाइव प्लस माइनस सॉरी प्लस फोर, मैंने लिखा फोर की जगह और ले लेते हैं सिक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास नंबर आया। अब देखते हैं कि मेरे पास आंसर में क्या आ रहा है, हम कहां पर है, माइनस फाइव पर, तो माइनस फाइव कहां है मेरा, ये है मेरे पास माइनस फाइव। उसके बाद क्या है, सिक्स है, सिक्स कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मींस मुझे कहां जाना है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, पॉजिटिव नंबर्स किधर है, राइट साइड में है, तो इट मीन्स हमने माइनस फाइव से राइट साइड जाना है, और कितनी जंप लेनी है, सिक्स जंप लेनी है, तो जल्दी से जंप ले लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो हमें कितनी जंप लेनी है, सिक्स जंप लेनी है फाइव माइनस फाइव से, तो ये आया वन, फिर टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, तो मेरा आंसर में क्या आएगा, वन आएगा। इसका आंसर क्या बना था, इसका आंसर बना था माइनस वन, और इसका आंसर बनेगा वन। और यही सारी चीजें हमें क्या करनी है, हमें अपने जो क्वेश्चन है उनको अपने जो नंबर लाइन है उस पर शो करके दिखाना है कि आप बताइए। ये चीज हमेशा माइंड में सेट रखनी है कि आपके जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो लेफ्ट साइड होते हैं और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो राइट साइड होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये याद रखेंगे, अगर आपके पास ये लिखा है सेवन प्लस माइनस फोर, इट मीन्स अगर आप फोर पर है, ठीक है, तो आपने किस तरफ जाना है, आपने माइनस फोर करना है ना, तो माइनस यानी लेफ्ट साइड जाना है, और जंप कितनी लेनी है, तो माइनस के साथ जो भी नंबर है उतनी आप जंप लेंगे। आप सेवन पर है तो माइनस फोर जंप लेंगे, माइनस फोर मीन्स लेफ्ट तरफ जा रहे हैं और फोर जंप लेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं और उनको ध्यान में रखते हुए अपने आपने एक्सरसाइज करनी है। आई होप कि आपको ये जरूर हेल्प करेंगे, और थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।